कि हमारे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में, जिसमें हम जनता से कनेक्ट करते हैं, गांव का जो ग्रामीण है, जो आखिरी मकान जिसका है, कच्चा मकान जिसका है, उससे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आप तीनों लोग भी सुनिएगा, हमारा एक कार्यक्रम है 3:30 बजे आता है, मेरा देश मेरा गांव, उसमें हम गांव गांव जाकर ग्रामीणों से बात करते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। तो आज जब बातचीत कर रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ, तो उनसे विनोद मिश्रा साहब है, विनोद मिश्रा साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहां से जो एमएलए है वो मदन कौशिक साहब है, हरिद्वार की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तो संजीव वर्मा जी ध्यान से सुनिएगा, संजीव वर्मा जी आप ही के लिए है ये, ध्यान से सुनिएगा। तो विनोद मिश्रा साहब ने कहा कि मदन कौशिक जी जो हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो सियासत में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और हॉस्पिटल की हालत बिल्कुल खस्ता हाल है, बिल्कुल बदहाल है, जबकि 2 बार कोरोना का जो दंश है वो यहां की जनता झेल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आज भी हॉस्पिटल की जो हालत है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल पूर्ण रूप से बदहाल है। दूसरी चीज सड़कों का हाल इतना खराब है कि नेटवर्क कनेक्शन की बात तो बाद में करेंगे, फोन के कनेक्शन की तो बात में करेंगे, लेकिन आप इतनी कनेक्टिविटी तो दीजिए कि सड़क के रास्ते कोई व्यक्ति चलकर एक जगह से दूसरी जगह अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। तो ये दरअसल जमीनी सच्चाई है। ऊपरी बातें ये है कि यशपाल आ रहे इस पार्टी से आज उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, क्या बयान किसने दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, और अब कर्नल अजय कोठियाल क्या कह रहे हैं। ये ऊपरी बातें हो गई उत्तराखंड की, ऊपरी ऊपरी चाशनी, ऊपरी ऊपरी लेयर, मीठी मीठी बातें, लेकिन कड़वी बात भी जरा ग्रहण करिएगा। कड़वी बात यह है कि एक गांव का व्यक्ति एक सवाल कर रहा है कि 2-2 बार कोरोना काल रहा, 2-2 वेव्स रही, उसके बाद भी आज सड़कों की यह हालत है कि कनेक्टिविटी नहीं है और अस्पतालों की यह हालत है कि हम किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए आज भी तैयार नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बिल्कुल बदहाल खस्ता हाल है। जवाब दीजिएगा संजीव वर्मा जी। देखिए देहरादून से हरिद्वार तक का जो नेशनल हाईवे है, जहां पर पहले 2.5 घंटे लगा करते थे, आज 40 नहीं, मिनट नहीं, नेताओं और मंत्रियों के रास्ते और बड़े लोगों के रास्ते मत गिनाइए वहां, नहीं नेताओं और मंत्रियों के बात मत करिए कि देहरादून से हरिद्वार पहुंचने में कितना समय लगता है, हरिद्वार के अंदर भी बात करिए। मेरे भाई अभी आपने कहा सड़कों की बदहाल हालत, तो सड़कों की बदहाल हालत का ही मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ कि बदहाल हालत नहीं, इतनी जबरदस्त सड़कें बनी है, जहाँ पहले 2.5 घंटे लगते थे आज 40 मिनट में हम उस यात्रा को पूरा करते हैं। बात रही हॉस्पिटल्स की, नहीं नहीं बात यही रहेगी, संजीव वर्मा जी एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने कहा कि सड़कों की बात यहीं तक रहेगी, अब हॉस्पिटल पर आता हूं, आप शायद नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से निकलकर जाते नहीं, मैं लोकल रोड की बात कर रहा हूं, हरिद्वार की लोकल रोड की बात की जा रही है। एक सेकंड संजीव वर्मा जी मैं आपको एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक जाने नहीं दूंगा जब तक आप पहले का जवाब नहीं दे रहे थे। आप सवाल को सुनिए ध्यान से, आपने कहा सड़कों की बात यहीं तक, अब हॉस्पिटल पर आते हैं, रुकिए जरा सड़कों पर रुकिए, सब्र करिए। सड़कों की बात यह है कि नेशनल हाईवे की आपने बात की, स्टेट हाईवे की बात की, ठीक है, आप शायद इन सड़कों के अलावा कहीं और चलते नहीं होंगे, मैं लोकल रोड्स की बात कर रहा हूं। जब मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं और ग्रामीण की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि हरिद्वार के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां की कनेक्टिविटी का क्या साहब। श्रीमान जी, हर जगह जबरदस्त कनेक्टिविटी है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। यदि आप कहते हैं कि सड़कों की हालत बदतर है, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपकी बात जो आप कथन जो बोल रहे हैं वो किसी कांग्रेसी का किसी पक्षी नहीं, 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 एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर रुकिए संजीव वर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, संजीव वर्मा जी जो दरअसल मैंने आपसे बात की, जो सवाल किया वो मेरा सवाल नहीं था, वो एक जनता का सवाल था। मैंने आपको पहले ही बताया नाम के साथ कि विनोद मिश्रा जी हैं, ग्रामीण हैं,
उन्होंने हमारे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की सड़कें बिल्कुल खराब हैं, हॉस्पिटल की हालत बदहाल है। उस सवाल को, जनता के सवाल को, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप तक ट्रांसफर किया। आप उस सवाल का जवाब दीजिए, पैट्रोनाइज मत कीजिए। इससे कुछ नहीं होगा कि आपकी जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह लग रहा है, फर्स्ट नंबर वन। दूसरी चीज यह है कि ये जो सवाल था ये जनता का सवाल था, तो जनता को जवाब दीजिए। असहमत मत होइए, अगर असहमत होंगे और जनता अगर आपसे असहमत हो गई तो भारी नुकसान हो जाएगा। फुटेज दिखा सकते हैं क्या उस सड़क की? आप मेरे को फुटेज दिखा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आप यदि उस सड़क की फुटेज दिखाएंगे तो मैं मान सकता हूँ कि आपका कथन सत्य है या असत्य। लेकिन लेकिन आप नहीं, मतलब बीजेपी के मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा कह रहे हैं कि दो नहीं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा कह रहे हैं कि ग्रामीण ने जो कहा है, जो सवाल उठाया है, उससे वो असहमत है और उनका कहना है कि ग्रामीण गांव का व्यक्ति झूठ बोल रहा है और उन्हें जनता से सबूत चाहिए। मेरे भाई वो किसी विपक्षी दल का सदस्य हो सकता है। अच्छा, तो अब जनता सवाल करेगी तो विपक्षी दल की होगी, ठीक है, बिल्कुल। अमनदीप जी कुछ बात कहना चाहते हैं इस पर? संजीव वर्मा जी, आपको यही रोकना चाहूंगा, आपने क्योंकि पूरी तरह से मेरे सवाल को डिसमिस कर दिया। आपने कहा कि अगर सवाल करोगे तो मतलब यह है कि विपक्षी दल के हो। अमनदीप सिंह, ये नया लोकतंत्र है। उससे पहले अमनदीप जी, अमनदीप जी थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा ठहरिएगा। संजीव वर्मा जी को दरअसल सच का सामना, सच का आईना देखना पसंद है, तो उनके लिए ये वीडियो स्क्रीन पर है। जरा ये संजीव वर्मा जी को ये जरा वीडियो चलाकर दिखाइएगा। ये वीडियो है संजीव वर्मा जी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए डिबेट में वापस आइए। संजीव वर्मा जी, सड़क देख ली। अब ये मत कहिएगा कि ये जो गड्ढा किया गया कांग्रेस के लोगों ने किया और ये जो वहां पर जो ये जानवर घूम रहा था ये दरअसल आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का जानवर है, उन लोगों ने इसको छोड़ा है वहां पर, और ये सड़क जो खस्ता हाल है ये दरअसल कांग्रेस के लोगों ने करी है। आपको सामने आपके बैठ कर ये वीडियो दिखाई है, अब इस वीडियो पर जवाब दीजिए जरा। आप यह कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? यह फोटोग्राफ 2015 का है, 2016 का है। महाराज, कुछ प्रमाणित नहीं करना, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि सड़क की ओर ध्यान दीजिए, बस। महाराज, 2015 की, अब यह भी प्रमाणित करूं बैठकर यहां पर, जनसेवा केंद्र खोल लूं यहां पर बैठकर? देखिए, सरकार अपनी तरफ से बेहतर से बेहतर। नहीं नहीं नहीं, पहले जो वीडियो दिखाई है उस पर जवाब दीजिए। आपने कहा कि वीडियो दिखाइए, आपने कहा कि तस्वीरें दिखाइए, फोटोग्राफ दिखाइए, तस्वीर दिखाई, फोटोग्राफ दिखाई, माफी मांगी। आप जो इल्जाम लगा रहे थे उसको लेकर, घर नल की सुविधा दी जा रही है विगत में जो 125,000। चलिए ठीक है, आंकड़ों को अपने पास रखिए।